सुप्रभात बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं भाषा और व्याकरण के विषय में। भाषा क्या है, उसका व्याकरण से क्या संबंध है? व्याकरण ने हमें भाषा का शास्त्र दिया। भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। प्रारंभ में जब इस धरती पर मनुष्य का विकास हुआ, जब मनुष्य इस धरती पर आया तो उसके पास भाषा नहीं थी। क्रमिक विकास के दौर में मनुष्य ने धीरे 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 विकास को प्राप्त किया और भाषा को भी विकसित किया। पहले वह कुछ चिन्हों के द्वारा, इशारों के द्वारा बातचीत करता था, लिखता था, चिन्हों को कहीं कहीं अंकित करता था। धीरे धीरे कुछ ध्वनियों का विकास हुआ और उसी के साथ किन्हीं किन्हीं चिन्हों को किन्हीं किन्हीं ध्वनियों के साथ बांध करके पूर्ण रूप से भाषा विकसित हुई। जब भाषा का विकास हो गया तब उसे हमने दो श्रेणियों में बांट दिया, पहली मौखिक भाषा और दूसरी लिखित भाषा। बच्चों, जब भी हम बोलकर, सुनकर विचारों को ग्रहण करते हैं या दूसरों को बताते हैं तो वह हमारी मौखिक भाषा होती है। मौखिक भाषा के कुछ प्रकार मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे भाषण देना, कहानी सुनाना, फोन पर बातचीत करना, ये मौखिक भाषा के प्रकार हैं। मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ यह भी मौखिक भाषा का प्रकार है और ये जो यहाँ बोर्ड पर हमने सब लिख दिया है यह लिखित भाषा का प्रकार है। दूसरी प्रकार की भाषा लिखित भाषा, जैसे मैंने आपको अभी बताया ये चिन्ह है भाषा विदों द्वारा निर्धारित किए हुए, इनमें कुछ प्रकार हम पत्र लिखते हैं लिखित भाषा, निबंध लिखते हैं लिखित भाषा, आजकल आप हम सभी लोग ईमेल करते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, ईमेल भी लिखित भाषा का प्रकार है। आइए एक बार फिर से दोहरा लें, भाषा क्या है? अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने का माध्यम भाषा है। भाषा क्रमिक विकास के दौर में धीरे धीरे मनुष्य ने विकसित की। भाषाविदों ने किन्हीं किन्हीं चिन्हों को किन्हीं किन्हीं ध्वनियों के साथ जोड़ दिया। भाषा के दो प्रकार हैं, पहली मौखिक भाषा, दूसरी लिखित भाषा। आशा है आप सभी इसका ध्यान रखेंगे कि भाषा दो प्रकार की है, भावों और विचारों को प्रकट करने का माध्यम है। शीघ्र ही फिर मिलेंगे। धन्यवाद।